So we started with the chemical properties of alkenes. So we discussed that the alkenes, they actually undergo what type of reaction? Electrophilic addition reaction. Okay, whenever you are having an unsaturated bond, unsaturated means double or triple bonded, जब आपके पास compounds हैं, उनमें हमें पता है they will undergo which type of reaction? Addition reaction. Where this bond it will be converted into single bond. Okay, since the pi electron density is there, that means it is having excess of electrons. ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब इस सिस्टम के ऊपर एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है. ये जो पाई बॉन्ड है ये किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल को. ओके, दे विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स इटसेल्फ. वेयर द इलेक्ट्रोफाइल बीइंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, इट विल अटैक ऑन दिस पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो फॉर द मैकेनिज्म जो मैंने आपको कल बताया है, मैकेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी देयर इन द फर्स्ट स्टेप? फर्स्टली द इलेक्ट्रोफाइल इट विल अटैक. ठीक है, तो कोई भी अनसैचुरेटेड सिस्टम ले लेते हैं. ठीक है, हियर वी आर हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अटैकिंग स्पीशीज वेयर वन विल बी एन इलेक्ट्रोफाइल एंड अदर विल बी अ न्यूक्लियोफाइल. जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी, HCl हो गया, HBr हो गया, वाटर हो गया, ये सारे क्या हैं? दे आर द टाइप ऑफ द अटैकिंग स्पीशीज जिसमें एक जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा जो है वो क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है. तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ही होती है. मैकेनिज्म में हम जनरल डिस्कशन ही करते हैं उनकी. ठीक है, आपको स्पेसिफिक एग्जांपल लेके भी कर सकते हो आइदर या आप जनरल बता सकते हो. ठीक है, फर्स्ट स्टेप कैसा होता है? इट इज अ स्लो स्टेप. स्लो स्टेप मींस इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. जो भी यहां पर होगा दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट स्टेप कि कैसे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कर रहा है और कैसे जो है वो रिएक्शन देखी जाएंगी ओनली इन द फर्स्ट स्टेप. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा. इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ऐसे ही होगा कुछ? हाँ जी, कुछ ऐसे ही होगा, राइट? तो व्हाट वी गेट? ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? इस वाले कार्बन के साथ कौन अटैच हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल. प्लस यू आर हैविंग NU नेगेटिव. क्लियर? क्योंकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थे, तो उसने पार्शियल की बजाय फुली ट्रांसफर कर लिया. अब वो फुली नेगेटिव हो गया है. ठीक है, समझे? पहले उसको देने पड़े थे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करने के लिए. अब वो कह रहा है कि मैंने फ्री है और उसने पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्वायर करना है, तो उसने इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकाल दिया, राइट? तो इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या कर लिया है? बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया. नाउ दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन ऑल्सो इन द मैकेनिज्म. जब भी हम मैकेनिज्म शो करते हैं, हमने मैकेनिज्म में सारी लाइंस ये वाली लिखनी होती हैं. ठीक है, जो मैंने अभी सारी बोल ली हैं. क्लियर है? वी आर हैविंग एन अनसैचुरेटेड सिस्टम हियर, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, राइट? सो द इलेक्ट्रोफाइल इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो द न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, द इलेक्ट्रोफाइल इट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कार्बन एटम इट विल मूव टू वन ऑफ द कार्बन एटम एंड to that carbon atom the electrophile it will get attached. And this is a slow step, that means this is a rate determining step. Okay, clear ho gaya yahan tak? Clear hai? Ye sari cheeze aapne likhni hai. Theek hai, with the reaction you have to write down all these things.
Now, what will be there in the second step? अच्छा एक चीज तो मिस करी गई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा आएगा ना, अगर इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए तो इसके ऊपर क्या आ गया, फिर आपने ये भी लाइन लिखनी है कि कार्बोकैटायन इज फॉर्म इन दिस स्टेप, दैट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा बना है, कार्बोकैटायन, सो दैट्स व्हाई इट इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। नाउ इन द सेकेंड स्टेप द न्यूक्लियोफाइल इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम दैट इज बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, ओके, और इट विल गिव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द कार्बोकैटायन एंड द स्टेप इज फास्ट स्टेप। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और उधर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें एडिशन हो चुकी है, अब नाउ दीज आर आर एडिशन प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट है। इज दैट क्लियर, एनी डाउट टू एनीवन? So this is the electrophilic addition reactions that are undergone by the alkenes and the mechanism. Clear hai? Any doubt to anyone? Mechanism samajh aa gaya kaise likhna hai? Jo cheeze aap bana rahe ho aapne bas wahi cheeze sari explain karni hai mechanism mein. Kisne yahan pe attack kiya to ye ban gaya, theek hai? Slow step hai, rate determining step hai. सेकेंड में न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है कार्बोकैटायन पे और जो आपका एडिशन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा एंड इन दिस वे वी विल गेट एन एल्केन। ओके क्लियर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। अब ये तो जर्नल था रिएक्शंस, अब हम स्पेसिफिक रिएक्शंस की फॉर्म में करेंगे जहां पर ये वाली सारी चीजें हम कंसिडर करेंगे। राइट डाउन द फर्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी बेटा, हु विल एक्सप्लेन दिस रिएक्शन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस रिएक्शन, हमने ये रिएक्शन कर ली हुई है, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस रिएक्शन? खोल लो पेज, खोल लो, बेटा आप तो आए नहीं थे, क्या खोल रहे हो? रिएक्शन का नाम बोलो, एक मिनट में ये नाम आना चाहिए अब तो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और वॉइस को लर्न भी कर लो। हाँ, सेबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन, ठीक है। प्रप्रीत आओ लिखो बेटा, प्रप्रीत है, क्या नाम है? प्रदीप, आ जाओ, प्रीत दीप कोई बात नहीं, आ जाओ रिएक्शन लिखो। प्रीत बोला था, आओ बेटा जल्दी, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन लिखो, इथीन लिखो, उसमें हाइड्रोजन ऐड करो। राइट डाउन द एल्कीन और एनी इथीन। वंश वैभव, जो आप ज्यादा बोल रहे हो ना, नेक्स्ट टर्म आपकी हो सकती है, ये देख लो। टॉन, तीनों में से कुछ भी ले सकते हो, वेरी गुड। ठीक है बेटा,
क्लियर? वंश आ जाओ बाहर, आओ जल्दी बाहर बेटा वंश। क्लास में कोई वंश है आपकी? बोर्ड पे आओ जल्दी, जल्दी आओ। ठीक लिखा है इसने, ऐड करो उसमें हाइड्रोजन। प्रोडक्ट बनाओ, ऊपर देखो सेम रिएक्शन लिखी हुई है आपके सामने। एच ही ऐड होगा अकेला। करो, प्रोडक्ट कैसे बना होगा देखो। ऊपर सेम रिएक्शन लिखी हुई है बेटा, देखो प्रोडक्ट कैसे बना होगा। CH2 कैसे CH3 में कन्वर्ट हुआ होगा। हाँ तो वो सेम यहाँ पे करना है, एक हाइड्रोजन उसको दो, एक हाइड्रोजन उसको दो, ये ऐसे ही रहेगा। फाइव 73। तो प्रोडक्ट बनाओ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जल्दी। छोटिया सीट वहां पे उधर, कोई बात नहीं बैठ जा वहीं पर। वंश, वंश राइट डाउन द नेक्स्ट टाइप, एडिशन ऑफ हैलोजन्स, एडिशन ऑफ हैलोजन्स। ठीक है, ये समझ आ गया बेटा। सिंपली आपने डबल बॉन्ड के अराउंड जो है वो दोनों हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं, एंड द डबल बॉन्ड इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। ओके, दिस इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो हमने पढ़ ली हुई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप इज एडिशन ऑफ हैलोजन्स। कौन कौन से हैलोजन्स हैं हमारे पास? वी आर हैविंग क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो वी विल बी डूइंग द रिएक्शंस विद देम। सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं इथीन की। इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो क्लोरीन है। ओके, तो व्हाट विल हैपन, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम इनर्ट सॉल्वेंट लाइक CCl4 में आप ये रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, यू नीड एन इनर्ट सॉल्वेंट जो रिएक्ट ना करे किसी के साथ। हाँ जी बेटा, क्या बनेगा? वन क्लोरीन विल बी अटैच हियर एंड द सेकंड क्लोरीन विल बी अटैच हियर। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? 1,2-dichloroethane। ठीक है, 1,2-dichloroethane। इज दैट क्लियर? Same reaction you can proceed with the bromine, and this is a test for unsaturation that you will be using in your labs also. You will be using this test in the practicals, test for unsaturation, bromine water test. Test for unsaturation, bromine water test.
दिस इज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, जहां पर आप टेस्ट करोगे कि जो आपको कंपाउंड हमने दिया है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे अभी आपको सॉल्ट दिए हैं ना हमने प्रैक्टिकल्स में, तो आप उसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल निकालते हो, वैसे ही हम आपको सॉल्ट देंगे, उसमें आप ये देखोगे कि उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, ओके। तो उस टाइम पे आप ये टेस्ट करोगे, दिस इज द टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, हमने देखना है कि उसमें अनसेचुरेशन है कि नहीं। तो द टेस्ट विल बी परफॉर्म्ड, ये हम आपको देंगे, सपोज अगर उसमें अनसेचुरेशन है, अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा विच इज एक्चुअली येलोइश ब्राउन, ब्रोमीन का कलर होता है येलोइश ब्राउन कलर होता है इसका, द रिएक्शन इट विल प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो आपको जो भी हमने दिया है उसमें आपने ब्रोमीन ऐड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो फिर आप क्या देखोगे, इफ द अनसेचुरेशन इज प्रेजेंट देयर, तो आपका ये जो येलोइश ब्राउन कलर है वो कलरलेस हो जाएगा। किया था ना आपने लास्ट टाइम KMnO4 के साथ भी, पिंक कलर डिस्चार्ज हो गया था, याद है। तो वैसे ही ये जो येलोइश ब्राउन कलर है ये डिस्चार्ज हो जाएगा अगर अनसेचुरेटेड कंपाउंड दिया है हमने आपको, ओके। नाउ हाउ द कलर विल डिस्चार्ज, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, 1,2-dibromo इथेन, तो दैट इज द टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, क्लियर है, इज दैट क्लियर, एनी डाउट, नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट राइट डाउन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। Now, what are the various examples of hydrogen halide? Hanji beta, hydrogen halide kya hote hain? Hydrogen halides ki example bolo. HBr, HCl, HI, HF, ye sare hote hain. अब इसमें से आपने मुझे बताना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, विच हाइड्रोजन हैलाइड विल बी हैविंग हायर रिएक्टिविटी, यानी कि कौन सा अनस्टेबल होगा आपके अकॉर्डिंग, एच, लास्ट ही बचा फिर एच आई, ठीक है। नीचे आते आते क्योंकि आपको पता है जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है when we move down the group, right, the bond length it increases, agar bond length zyada hai to bond dissociation energy kya hogi, kam hogi, theek hai, agar bond bada hai to wo easily toot sakta hai, but that is not in the case of HCl and HBr, kyunki HCl aur HBr jo hai unka size chhota hai, okay, to bond jo hai wo zyada strong form hoga, but for the HI and hydrogen, hydrogen ka size chhota hai but iodine ka size zyada bada hai, नीचे आते आते ऐसे ही है ना, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड जो है क्या ये स्टेबल होगा, एक का साइज छोटा एक का साइज बड़ा है, तो बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा, इसलिए ये बॉन्ड जो है वो जल्दी टूट जाएगा, ओके। सो द रिएक्टिविटी ऑफ एच आई इज मोर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द हैलोजन हैलाइड्स, इज दैट क्लियर, समझ आ गया, चलिए। सो राइट डाउन द रिएक्शन, अगेन सेम रिएक्शंस है, अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूं, प्लस एच आई क्या बनेगा बेटा, एक तरफ एच ऐड हो जाएगा और एक तरफ आई ऐड हो जाएगा, यही बनेगा, और तो कोई केस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, हैलोजन हैलाइड हाइड्रोजन, नहीं हैलोजन नहीं है, हाइड्रोजन हैलाइड है, हैलोजन को तो हमने हैलाइड में चेंज कर ही दिया ना, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड,
write down the same reaction with but2ene. Write down the same reaction with but2ene in the presence of HBr. और मुझे final product बताओ क्या है. कुछ नहीं होता मतलब हाइड्रोजन हैलाइड ये है HBr. हैलोजन हैलाइड नहीं है. हैलोजन को ही आपने हैलाइड में चेंज किया हुआ है. हाइड्रोजन हैलाइड है. या इनको हैलोजन एसिड्स भी कह देते हैं. जैसे HCl हो गया ना, HCl को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हो ना, तो वैसे इनको हैलोजन एसिड्स भी कह सकते हैं हम. ओके but2ene इन द प्रेजेंस ऑफ HBr 2-bromo-butane. Who is going to write the mechanism of this reaction? अभी first में वही करवाया मैंने आपको. किया हमने एक electrophile था, एक nucleophile था. Reasons दिए थे मैंने आपको. HCl, HBr हो सकता है, water हो सकता है, बताया ना अभी आपको. हाँ जी, कौन लिखेगा mechanism? यहां से सेकंड एक्स मुझे आता होगा फिर, है ना. सहज आ जाओ बेटा, मैकेनिज्म लिखो. मैकेनिज्म सेम मैकेनिज्म है सारा, ठीक है. इथीन के साथ लिखना. राइट द मैकेनिज्म विद इथीन. HBr के साथ. पहले कैसे Br लग जाएगा फर्स्ट स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होगा? नहीं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किस तरफ जाएगा? नेगेटिव की साइड नहीं जाएगा. आता तेरे को? हाँ, दिस इज द स्लो स्टेप, दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप. वेरी गुड. और एक चीज मिस कर गई बेटा तुम. स्टिल सेकंड स्टेप में क्या होगा? सारा स्टेप लिखो. नहीं नहीं सेकंड स्टेप बेटा कंजूसी नहीं करनी है स्टेप लिखने में. पेपर में नंबर कट जाने हैं. वो अलग स्टेप है, ये अलग स्टेप है. पेज नहीं बचाना है हमने. ये मैकेनिज्म है सारा आपका. फर्स्ट में भी शो करना फिर हाइड्रोजन, अगर लास्ट में लिखे हैं. फिर लास्ट में भी ना लिखते आप. वेरी गुड, ठीक है बेटा, मैकेनिज्म क्लियर है. इथीन में HBr जब ऐड होगा, सबसे पहले जो H है वो यहाँ पे चला जाएगा. देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. ओके, इन द सेकंड स्टेप दिस न्यूक्लियोफाइल इट विल अटैक हेयर, ठीक है, और ये लग जाएगा साथ में. अब आपकी एरो जो है वो गलत नहीं जानी चाहिए. एफिशिएंसी गोज टुवर्ड्स डेफिशिएंसी. अब ये सेकंड टैगलाइन है मेरी.
एफिशिएंसी गोज टुवर्ड्स डेफिशिएंसी, जिसके पास ज्यादा है वही लेके जाएगा जिसके पास नहीं है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी ये एरो ऐसे नहीं शो करने हैं, एरोस का भी साइन होता है, सिंबल होता है कुछ ना कुछ। अगर आप ये एरो ऐसे शो कर रहे हो, इसका मतलब जो ब्रोमीन है जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बोकेटाइन के पास जा रहा है। अगर आप ऐसे एरो शो कर रहे हो, इसका मतलब जो ऑलरेडी खाली है वो भरे के पास जा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये एरो आपकी ठीक नहीं है। यू हैव टू शो द एरो लाइक दिस, वेयर एफिशिएंसी इट गोज टुवर्ड्स डेफिशिएंसी, ठीक है। सिमिलरली ये जो आपकी एरो है ये यहां पर जाएगा, ओके। इज दैट क्लियर? चलो गुरसिमर बाहर आओ। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। ये समझ आ गया, जो आपने पहले किया वही है सारा, ओके। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। प्लस एच बी आर, इट गिव्स क्या देगा? नहीं, सिंपल रिएक्शन लिखनी है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? Go to your seat. अभी वन केस तो ये भी था, वन केस ये भी है कि अगर मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे लगाया है, ब्रोमीन यहाँ पे लगाया है, तो उसकी मर्जी है, ब्रोमीन यहाँ पे भी लग सकता है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी लग सकता है। हम कौन सा आंसर करेक्ट समझे? You remember Seydzieff rule? Seydzieff rule में हमने क्या किया था? We started from the alkyl halides. Alkyl halides में से हमने एक हाइड्रोजन और एक हैलाइड जो था वो रिमूव किया था, ठीक है। और हमने ऐसे रिमूवल किया था कि जो आपकी एल्कीन बन रही थी हमने वो वाली प्रेफर करनी थी, दैट वॉज मोर एल्काइलेटेड एंड दैट वॉज इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। वो केस मैंने आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए बताया था, जब हमारे पास सिमेट्री नहीं है एल्कीन्स की। अब जो आपने इथीन का स्ट्रक्चर लिखा है, डेट इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, दोनों कार्बन हैं, दोनों के पास दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, स्ट्रक्चर सेम है दोनों कार्बन का। बट यहाँ पर आप देख सकते हो, वेन यू आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके, हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन इट बिकम्स अनसिमेट्रिकल, सिमेट्री नहीं रहती है यहाँ पे। तो अनसिमेट्रिकल होने के कारण यहां पर पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की, ओके। व्हेन एवर यू आर हैविंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट, जैसे ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये भी प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। तो इसमें से मेरा सही वाला प्रोडक्ट कौन सा है? दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, and this rule is very very important. This is according to Markovnikov's rule. Markovnikov's. Kovnikov. Apostrophe s. अब ये rule क्या कहता है? ये रूल कहता है, व्हेनेवर यू आर हैविंग द अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स एंड यू हैव टू ऐड हाइड्रोजन हैलाइड इनटू इट, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है, दिस इज द नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज द पॉजिटिव पार्ट,
the negative part of this adding species, it will go to that carbon atom of the alkene. अब हमने सिर्फ इसको देखना है, इसको नहीं देखना, अपना फोकस सिर्फ एल्कीन्स पे रखना है जिनके बीच में दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, वो वाले दो कार्बन पे हमारा फोकस होना चाहिए बस, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये जो इसका नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन को जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हैं। गेटिंग द पॉइंट? अकॉर्डिंग टू दिस रूल the negative part of the adding species, it will go to that carbon atom which is having lesser number of hydrogen atoms. yani ki jisme alkylation zyada hogi, jiske paas alkylation zyada hai usi ki taraf jo hai wo negative part jayega. okay, to ab in dono mein se iske paas kitne hydrogens hain, iske paas kitne hydrogens hain, one, ek hydrogen hai, to negative part kis taraf jayega, इसके पास, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके पास जाएगा, ठीक है। तो आपका ये पहले वाला स्ट्रक्चर, इट विल बी इन द मेजर फॉर्म एंड दिस स्ट्रक्चर विल नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है जी। एक टर्म सुन लो, दैट इज अडेंडम। अडेंडम मींस एडिंग स्पीशीज, जो स्पीशीज ऐड हो रही है उसको हम और क्या कहते हैं, अडेंडम, वेयर दिस अडेंडम इज एचबीआर, ठीक है। अगर मैं एडिंग स्पीशीज ना बोल के अडेंडम बोलूं तो दैट इज अंडरस्टूड कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, एडिंग स्पीशीज।